हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम मिर्धा और आप सभी को पूनम मिर्धा ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह का बज रहा है 6:45, मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अपने मायके में हूँ, तो अभी सुबह का टाइम है, देख सकते हो बहुत ही कुहासा किया है और गाँव में बहुत ही ठंडा, इतना ठंडा कि पूछो मत। देखो, मैं इधर से ढक कूक ली कानू। सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपने मायके में चूल्हा में ही खाना बनाते हैं। वो भी कोयले का चूल्हा है, कोयला लकड़ी दोनों मिला के जलाते हैं। तो आप लोग को हम दिखाते हैं कि हम लोग चूल्हा कैसे जला। तो आप लोग देख सकते हो, कोयले का चूल्हा कुछ इस तरह से रहता है। ये हमारा चूल्हा है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले लकड़ी को डाल लेते हैं। तो नीचे में हम लोग पतला पतला लकड़ी डालेंगे, ताकि चूल्हा जलने में आसानी हो। तो ये सब लकड़ी जितना है ना, छोटा छोटा पतला पतला लकड़ी को ज़्यादा डालना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कम लकड़ी डालेंगे ना तो कोयला नहीं जलेगा। और अभी डाल देते हैं कोयला, 2-4 कोयला डालेंगे। देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग कोयला डालते हैं। ये रहा ढक्कन, कोयला डाल दिए दोस्तों। और अभी इसमें डाल देते हैं ढक्कन। दोस्तों, पेपर हमारा जल गया है और अभी इसको चूल्हा में डाल देते हैं जलाने के लिए। देख सकते हो दोस्तों, हमारा चूल्हा जलने वाला है, जल ही गया है, धुआं निकल रहा है। देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से जल गया है चूल्हा हमारा, जल गया है दोस्तों। अभी चूल्हा को दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हा हमारा जल रहा है और धुआं धुआं बहुत ही अच्छा तरीके से जल चुका है। देख सकते हो, ये है हमारा झाड़ू। और अभी चलते हैं, झाड़ू कर लेते हैं, अच्छा तरीक़े से आंगन को चमकाते हैं। दोस्तों, झाड़ू हमारा हो गया है और चूल्हा भी अच्छा तरीके से जल गया। और इधर है पोड़ा कोयला, और अभी आंगन को भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा से साफ़ सफाई कर दी है। एक हमारे बाजू में कौवा बैठा हुआ है, ये हमेशा इधर ही रहता है, उसको पता नहीं इधर ही अच्छा लगता है क्या। और अभी चलते हैं, पोड़ा कोयला बीछ लेते हैं। और इधर है हमारा पोड़ा कोयला, देख सकते हो हमारा पोड़ा कोयला कुछ इस तरह से है। तो जब भी हम लोग ये कोयला भी जलाए ना, तो ये जल के पोड़ा बन जाता है। तो इस तरह से होता है कोयला जलने के बाद। वो कच्चा कोयला का चूल्हा जलाते हैं, और चूल्हा जलने के बाद पझाने के बाद पहले हिनकेगा, उसके बाद पझाएगा, पझाने के बाद इस तरह से होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे रख लेते हैं, जितना भी पोड़ा कोयला है सारा पोड़ा कोयला बीच लेते हैं अच्छे तरीके से। देख सकते इतना पोड़ा कोयला हुआ, अभी और निकलेगा, तो अभी हम सारा कोयला बीच लेते हैं। दोस्तों, इतना सारा हमारा पोड़ा कोयला हो गया है, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा निकल गया हमारा पोड़ा। दोस्तों, हमारा चूल्हा भी हिंदक रहा है, अभी देख सकते हो चूल्हा ही हिंदक गया है। थोड़ा आगे से खा लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ठंडा लग रहा है। झाड़ू तो हो गया है, बस बर्तन धोना है, थोड़ा हाथ उस सेक लेते हैं, क्योंकि चूल्हा हिंदक गया है। तो अच्छा तरीक़ा से हाथ ठेक ले लें, क्योंकि हाथ बहुत ही ठंडा हो गया है। देख सकते हो, कचरा उठा के बहुत ही गंदा हो गया है। अरे पता नहीं पानी कब चालू होगा, समझ नहीं आ रहा है। इधर हमारा बगीचा है छोटा सा, फूल उल का है। अभी हाथ सेक रहे ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। सेक उक लेते हैं, इसको रड़ से हुरड़ देते हैं, थोड़ा बराबर कर देते हैं, कि इधर उधर जलेगा ना, इसके लिए इसको कर दिए दोस्तों। और हाथ भी सेक लिए दोस्तों, और अभी चलते हैं बर्तन निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि अभी हम पूरा घर का सारा काम वगैरह कर दिए हैं, और जितना कपड़ा था सारा कपड़ा वगैरह वे धो दिए हैं, और
आप लोगों को पता है गांव में बहुत ठंडी, इतनी ठंडी को पूछो मत। और मैं ब्रश व्रश करके थोड़ा नाश्ता कर ली और अभी 8:30 बज चुका है और इतना सारा कपड़ा धोए इतना ठंडी में उठ के। और अभी इधर देख सकते हो ये हमारा अमरूद का पेड़ है। अभी भाभी से पूछते क्या बना दी खाने में। भाभी किधर है? बैठे हैं। तो आज क्या बन रहा है खाना में? आज तो चावल बन रहा है, चना का साग, चना पालक मिक्स करके सरसों। ये चना का साग है? हाँ। ओ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये चना का साग है जो बोलते हैं कि हम लोग मार्केट से नहीं लाए हैं। ये भाभी अपने मायके गए थे गांव में तो वहाँ से बगान से तोड़ के लाए, खेत से ना। हाँ वही खेत हो या बगान जो भी है। और अभी आप लोग को दिखाते हैं सूप में निकाल के। और इधर हमारा चावल बन रहा है तो चावल भाभी डाल दी है और भाभी का छोटा सा बेबी है, बेबी बॉय। और सारे बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और अभी हम लोग चलते हैं साग को निकालते हैं थोड़ा सूप उप में डाल के। दोस्तों अभी चलते हैं सूप में बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि इधर ना अंधेरा है। हम लोग तरफ लाइट कट गया है टाइमली, इधर लाइट कटता है 8 बजे कट जाता है तो कट गया है। और इधर इधर हमारे घर पे मुर्गी है छोटा छोटा, ये लोग चर रहा है इधर। और यहाँ पे अभी इसको सारा बनाना है कि कम बनाना है पता नहीं, पर ये देख सकते हैं पालक और चना का साग है। तो चना का साग देख सकते हो कैसा है, इसको हम लोग ऐसे भी खाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा रहता है ना ये खा लेते हैं। और अभी इसको खोल के आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों पालक का ये खोल दिए, प्लास्टिक फट खुल ले रहा था इसलिए हम लोग फाड़ दिए। और अभी देखते हैं अंदर कितना सारा साग है। और इसमें तो और भी कुछ कुछ मिक्स है, भाभी गांव से लाई है ना तो बहुत सारा साग डाल दी है। इसको ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाना है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 3 आदमी ही खाने वाले हैं। और अभी देखते हैं ये सब रख देते हैं, भाभी से पूछते इतना में होगा कि नहीं। दोस्तों अभी सूप में निकाल लिए हैं और यहाँ पे चटाई बिछा दी है, धूप भी बहुत अच्छा आ रहा है तो सूर्य भगवान निकले हुए हैं। और अभी चलते हैं अच्छा तरीका से बैठ लेते हैं और आप लोग को एक बार हम और दिखा देते हैं कि हम कितना सारा कपड़ा धोए हैं। देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा धोए हैं आज हम, बहुत ही ज़्यादा कपड़ा था क्योंकि मुंबई से आए थे ना तो ला सब भरा था कपड़ा। और अभी चलते हैं ये सब साफ कर लेते हैं जितना भी कचरा उचरा होगा। तो आज हम लोग बनाएंगे मिक्स साग, चना और पालक मिला के। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, दिखाएंगे आप लोगों को कि हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले ऐसे से झाड़ लेते हैं, जितना भी कचरा उचरा होगा सब निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी साग को अच्छा तरीके से झाड़ उड़ लिए हैं और ये पालक को काट उड़ लेते हैं। बाबू भाभी अभी साग काट रही है मस्त टाइप से। भाभी को देख के नज़र अंदाज कीजिएगा क्योंकि भाभी का छोटा सा बेबी है तो अभी वो ठंडी में भीगती उगती नहीं है इसीलिए। तो अभी टमाटर डाल देगी भाभी। अभी दोनों मिक्स हो गया है साग, चना का साग और पालक ना, इसमें लहसुन मिर्ची सब डालें? हाँ सब डालेंगे, इसको फिर से तड़का करेंगे। मैं देख सकते हैं हम लोग का कोयला का चूल्हा में कितना आग रहता है। हम लोग सुबह कितना बजे जलाए थे? 6:45 और अभी बज रहा 9:30 ना, इतना देर तक है फिर भी अभी समझे तो 12 बजे तक रहेगा। हम लोग इसमें भी पानी चढ़ाएंगे गर्म नहाने के लिए। दोस्तों साग हमारा इधर गल चुका है और इधर प्याज व्याज काट लिए हैं और आज हम लोग बनाने वाले हैं पूरा ही देहाती स्टाइल में, गांव स्टाइल में। थोड़ा तेल डाले ना? हाँ। तो फ्राई पैन में बना रहे क्योंकि कढ़ाई में हम लोग ये उसको बॉईल कर दिए ना इसीलिए। हाँ इधर है लहसुन मिर्ची और प्याज, इसको तोड़े बीच में तोड़ देते हैं पहले। हम बनाते हैं पर थोड़ा इधर का स्टाइल में बना रहे इसीलिए पूछ पूछ के बना रहे भाभी। दोस्तों तेल हमारा हो गया है गरम और अभी डाल देते हैं लहसुन को, इसको चला देते हैं ये फ्राई पैन। तो ये भी हो गया है और अभी दे देते हैं मिर्ची को। हम लोग गांव देहात में इसी तरह बना के खाते हैं।
प्याज को डाल देते हैं। दोस्तों प्याज हमारा भुना चुका है, अच्छा तरीका से भून गया है। और अभी ये जितना भी साग है ना इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। देख सकते हो ज़्यादा इसको भूनेंगे नहीं, और अभी डाल देते हैं पूरा साग। सारा साग को डाल देंगे दोस्तों, और अभी इसको चला देते हैं, अच्छा तरीके से मिला देते हैं। इसमें नमक टमाटर वगैरह कुछ डालना नहीं है, क्योंकि जब ये बॉयल हो रहा था तभी नमक वमक टमाटर वगैरह सारा चीज़ डाल दिए थे। और बस इसको चटपटा के भूनने के लिए देते हैं। इधर झाड़ू रख दिए हैं, झाड़ू कर रहे थे इसके लिए। तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए इसको चटपटा होने देते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा तरीका से चटपटा जैसा भुना गया है, और सेंट भी अच्छा तरीका आ रहा है। सेंट बहुत ही अच्छा आ रहा, स्वाद ही स्वाद लग रहा है। और अभी अभी भाभी से पूछ लेते हैं चूड़ा के लिए, अगर हो गया होगा तो इसको उतार लेते हैं। दोस्तों साग हमारा हो, कैसा लगा भाभी खा के रोटी? और खाती हूँ, टेस्टी तो है। टेस्टी है ना, मस्त एकदम। दोस्तों देख सकते हो चना का साग और पालक साग ना, दोनों मिक्स करके ही बना है, बहुत ही स्वाद बना है। स्वाद बना है और भाभी का बाबू सो गया है, और भाभी भी खा लेती है। और अभी हम लोग चलते हैं, घर का सारा काम कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम अभी नहा वहा के रेडी हो गए हैं, और अभी चलते हैं खाना खा लेते हैं। तो आज तो आप लोग को बताएं कि घर में हम लोग चना का साग और पालक का साग दोनों मिला के ही बनाए हैं साग भात। तो आज हम आप लोग को दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। तो देख सकते हो पालक साग और चना साग दोनों मिला के बनाए साग और भात। तो अभी खा के दिखाते हैं, खा के देखते हैं कैसा बना। ऐसे तो भाभी बोली बहुत ही टेस्टी बना है, अभी हम खा के देखते हैं कैसा बना है। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम भात को सान लेते हैं। साग भात बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं गाँव में, क्योंकि मुंबई में हम लोग तो कुछ भी खाते थे, जैसा जो मन करता तो ऐसा। अभी यहाँ पर खा के देखते हैं कैसा लगता है। जैसे बहुत ही टेस्टी बना है साग भात। तो अभी हम खाना वाना खा लेते हैं, तभी आप लोग से मिलते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों देख सकते हो सारा खाना हमारा ख़त्म हो गया है, और हम खा के ख़त्म कर दिए। और आज की ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को हमारी ब्लॉग अच्छी लगी हो। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।